गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आपसे मिलने। आप लोगों से मुझे शिकायत है, बताओ कौन सा। आप लोग मुझे चैनल लाइक नहीं करते। मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करके मैं इतने सारे वीडियो बनाती हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है एक वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, पर उतना ही आपको डिसलाइक करने में लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक नया हेयर स्टाइल बनाऊंगी, जिससे आप कॉलेज या घर या कोचिंग कहीं भी जाते हैं ना, तो आप इजीली जा सकते हैं। इजीली, बहुत ही इजीली मैं बनाऊंगी। तो बिना आपका मेरा टाइम स्टार्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ, कम विथ मी। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है। तो पहले मैं इयररिंग्स निकाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं इयररिंग्स नहीं निकालूंगी ना तो इयररिंग्स गिर जाएंगे। और फिर आपको कॉम लेना है, तो आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, तो आपके बालों में बिल्कुल भी लटे हो रही है तो आपके बालों में नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप ऐसे कर लीजिए। तो सबसे पहले अच्छे से बाल कॉम करके पार्टीशन कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका हेयर रेडी है कोई भी हेयर स्टाइल के लिए। तो मैं ये साइड से बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा से बाल लेके इसे ट्विस्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको क्लिप लगा लेना है, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं अपने सेकेंड लुक की ओर चलती हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा बाल ले लेके ट्विस्ट करना होगा। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको सेम इसी तरह करना है। पहले एक बाल ले लीजिए, फिर उसे ट्विस्ट करिए, फिर सेकंड बाल लेके इसी तरह आपको सारे में हैं। तो आइए पूरा कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल स्टाइल है, तो आप इसे करके कॉलेज, घर या कोचिंग कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही कम समय पे बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो अब मैं चलती हूँ। तो सबसे पहले आपको इयररिंग उतार लेनी है, पानी भी पीना चाहिए। तो आइए, लेट्स गो। कॉम करना है पहले। बालों को पार्टीशन कर लेना है, फिर पार्टीशन करने के बाद तो अब आप बाल को साइड से निकाल कर क्लचर या क्लिप पेंसिल किसी से भी सिक्योर कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कोई भी हेयर स्टाइल बनाने में। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेयर मेरा कंप्लीट होता है, ये तीसरा था तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे इसे पिन से या टिक टैक से टैग करना होगा या सिक्योर करना होगा, ताकि ये निकले नहीं। आप चाहें तो इसकी चोटी बना सकते हैं,
पर मैं ओपन हेयर रखूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब आपको जो भी अपने मनपसंद ईयरिंग डालनी है डाल दीजिए, नहीं डालनी मत डालिए, और इसमें थोड़ा सा बाल निकाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले नहीं निकाला था तो अब मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, मेरा कटा हुआ है तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो टन 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 टन, तो आप देख सकते हैं मेरा लुक कितना आपको बेस्ट दिखेगा। देखिए मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही बनाइए, बहुत ही इजीली ये बन जाता है, आप अपने हेयर को आगे भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक हेयर बैंड का टचअप देता है, और अगर आप चाहें तो आप कुछ हेयर यहाँ से निकाल भी सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप, सो अच्छा बन रहा। तो अब मैं इसी के साथ यहीं पे वीडियो को करती हूँ दी एंड, और आपको मैं मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, मुझे बहुत हर्ट होता है, पर कोई बात नहीं, आप करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। सो फिर मैं आपको मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय सिस्टर। मैंने इसका भी हेयर बनाया था इधर है ना, तो आप देखिए इसका भी मैंने हेयर बनाया है, सी लाना है। अरे घूमो ना। सो बाय। तो देखा मेरे साथ आपको ऐसी ही हेयर मिलेंगी बनाने के लिए। बनाना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, पर अब मैं इससे आगे नहीं बना पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा नेट, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है। तो मुझे बहुत सारी मिलूंगी कल, ठीक है, बाय बाय।